कबीर साहिब, आज से लगभग 625 वर्ष पूर्व भारत की भूमि में काशी शहर से बाहर बने लहरतारा तालाब में सन 1398 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ मास की शुक्ल पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त में नवजात शिशु के रूप में सह शरीर कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। परमेश्वर जिस उद्देश्य को लेकर पृथ्वी पर प्रकट होते हैं उसे वे अपनी लीलामयी छोटी सी आयु से ही प्रारंभ कर देते हैं। परमेश्वर कबीर जी का उद्देश्य लोगों को सद्ज्ञान प्रदान करना होता है जिससे लोगों का आत्म कल्याण हो सके, और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिस किसी भी तीर्थ स्थल धाम आदि में आत्म कल्याण के उद्देश्य से श्रद्धालु जाया करते थे परमेश्वर कबीर जी उसी स्थान पर पहुँच जाते थे और भ्रमित श्रद्धालुओं को शास्त्र अनुकूल साधना से परिचित कराते थे जिससे कुछ श्रद्धालु उनके दिए गए तत्वज्ञान को समझकर यथार्थ भक्ति मार्ग प्राप्त कर अपना आत्म कल्याण करवाया करते थे। परमेश्वर कबीर जी ने जिन स्थानों पर जाकर लोगों को सदुपदेश किया था वहां आज भी कबीर प्रभु के जीवित प्रमाण विद्यमान है जो यह गवाही देते हैं कि पूर्ण परमात्मा तो काशी वाले कबीर जी ही है। तो आइए अब जानते हैं कबीर परमेश्वर जी के कुछ जीवित प्रमाण। द्वारिकापुरी में कबीर कोठा। जब दुर्वासा ऋषि के श्राप वश श्री कृष्ण जी के समक्ष सर्व यादव कुल का सर्वनाश हो गया था तथा एक मछुआरे शिकारी ने श्री कृष्ण जी के पैर के तलुए में विषाक्त तीर मारकर श्री कृष्ण जी का वध कर दिया, तब श्री कृष्ण जी के शरीर का अंतिम संस्कार द्वारिका में एक स्थान पर किया गया और बाद में उसी स्थान पर द्वारकाधीश का मंदिर बना दिया गया जहाँ कुछ समय बाद श्रद्धालु उस यादगार को देखने जाने लगे। फिर वहाँ पर पूजा प्रारंभ हो गई और उन भ्रमित श्रद्धालुओं को सदुपदेश करने के लिए विक्रमी संवत 1505 सन 1448 में कबीर परमेश्वर जी द्वारिका पहुंचे और समुद्र के किनारे जहां गोमती नदी सागर से आकर मिलती है उसके पास एक बालू रेत के टीले यानी कि कोठा पर बैठकर तीर्थ भ्रमण पर आने वाले श्रद्धालुओं को तत्व ज्ञान बताने लगे। परमेश्वर कबीर जी समझाते थे कि हे भोले श्रद्धालुओं, आप द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी की मूर्ति के दर्शन से कल्याण की अपेक्षा करके दूर से द्वारिका नगरी में आए हो। यहाँ पर श्री कृष्ण जी का ही सर्वनाश हो गया था तो आपको क्या प्राप्त होगा? आत्म कल्याण तथा संसारिक सुख प्राप्त करना है तो मेरे द्वारा बताई गई शास्त्र अनुकूल भक्ति से होगा जिससे आपका कल्याण भी संभव है। कुछ लोग कबीर परमेश्वर के सद्ज्ञान को सुनकर यथार्थ भक्ति प्राप्त करते थे और अपना आत्म कल्याण करवाते थे, तो वहीं परमेश्वर कबीर जी जिस स्थान पर बैठकर भ्रमित श्रद्धालुओं को सदुपदेश किया करते थे उस स्थान पर बाद में एक गोलाकार चबूतरा अर्थात कोठा बना दिया गया जिसे वर्तमान में हम कबीर कोठा के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि सन 1448 से आज तक यानी कि करीब 575 वर्ष हो चुके हैं उस बालू रेत के टीले यानी कि कबीर कोठे को आज तक समुद्र की लहरों ने छुआ भी नहीं है। समुद्र में ज्वार भाटा भी आता है तब भी समुद्र की लहरें कबीर कोठे की ओर नहीं जाती है जो कि परमेश्वर कबीर जी की समर्थता का जीवित प्रमाण है। कबीर व्रत की अद्भुत कथा। गुजरात प्रांत में भरूच शहर के पास अंकलेश्वर गांव है जिसके पास विक्रमी संवत 1465 यानी कि सन 1408 में शुक्ल तीर्थ नाम का एक गांव था। इस शुक्ल तीर्थ गांव में जीवा दत्ता नामक दो ब्राह्मण भाई रहते थे। जीवा तथा दत्ता प्रभु प्रेमी भक्तात्माएं थी। इनको सत्संग से यह निश्चय हुआ कि पूर्ण गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, जिसके बाद दोनों ने पूर्ण गुरु की पहचान करने के लिए निर्णय किया कि एक वट यानी कि बरगद के वृक्ष की सूखी टहनी लाकर मिट्टी में गाड़ेंगे और संतों के चरण धोकर चरणामृत को इसी सूखी टहनी के गड्ढे में डालेंगे। जिस संत के चरणामृत से यह डारी हरी भरी हो जाएगी पूर्ण संत वही होगा। कई वर्षों तक यह सिलसिला जारी रहा परंतु निराशा ही हाथ लगी। हताश होकर मान बैठे कि पृथ्वी पर वर्तमान में कोई पूर्ण संत नहीं है, तभी अंतर्यामी परमात्मा कबीर जी संत वेश में उस शुक्ल तीर्थ गांव में पहुंचे जिन्हें दत्ता ने देखा और अपने बड़े भाई जीवा की आज्ञा लेकर संत रूपी कबीर परमेश्वर जी को अपने घर पर बुला लिया। सर्वप्रथम चरण धोकर चरणामृत को दत्ता ने वट वृक्ष की सूखी टहनी लगे गड्ढे में डाला जो कि तुरंत ही हरी भरी हो गई और कुछ समय उपरांत वह टहनी
वनी वटवृक्ष के रूप में फैलने लगी और वर्तमान में भी वह वटवृक्ष 2-3 एकड़ में फैला है, जिसे कबीर वट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि परमेश्वर कबीर जी का साक्षी है। जगन्नाथपुरी में कबीर चबूतरा। उड़ीसा प्रांत के जगन्नाथपुरी में स्थित कबीर चबूतरा वह स्थान है जहाँ पर बैठकर कबीर परमेश्वर जी ने समुद्र को जगन्नाथ मंदिर तोड़ने से रोका था, क्योंकि उड़ीसा प्रांत के राजा इंद्रदमन श्री कृष्ण जी के आदेश अनुसार 5 बार जगन्नाथ मंदिर बनवाया और 5 बार समुद्री तूफान ने मंदिर को तोड़ दिया था। तब परमेश्वर कबीर जी ने ज्योति निरंजन काल को दिए गए वचन अनुसार समुद्र को रोका था, जिसके बाद यानी कि 6वीं बार श्री जगन्नाथ मंदिर अर्थात धाम स्थापित हो सका था और परमेश्वर कबीर जी के आदेश अनुसार समुद्र जगन्नाथ मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर हट गया था, जिसका आज भी प्रमाण मौजूद है कि समुद्र में कितने भी तूफान ज्वार भाटा आए, लेकिन तब से आज तक समुद्र ने जगन्नाथ मंदिर को क्षति नहीं पहुंचाई। अब सुनिए परमेश्वर कबीर जी की महिमा का शब्द। अर्ध रात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम, इंद्रदमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्रदमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्ध रात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम, इंद्रदमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्रदमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। सुन राजा एक भवन बना दे, संग समुद्र गहरा हो, गीता जी का ज्ञान चले वहां, विपर कथा कोई कह रहा हो। ना मूर्ति न पाखंड पूजा, वो सहज स्वभाव से रह रहा हो, योग युगत की विधि बतावे, जिससे मन इंद्री पर पैरा हो। कलयुग में जो नाम जपेगा, उसके सरेंगे सारे काम। इंद्रदमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्रदमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्ध रात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम, इंद्रदमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। 5 बार मंदिर बनवाया श्री कृष्ण जी के कहने से, मंदिर टूटा अवशेष बचाना, वो तेज समुंदर बहने से। 5 बार मंदिर बनवाया श्री कृष्ण जी के कहने से, मंदिर टूटा अवशेष बचाना, वो तेज समुंदर बहने से। कहे कबीर अब मंदिर बनवाओ, यो टूटे ना मेरे रहने से। 6ठी बार मंदिर बनवाया राजा ने रानी के गहने से। कहे कबीर अब मंदिर बनवाओ, ये टूटे ना मेरे रहने से। 6ठी बार मंदिर बनवाया राजा ने रानी के गहने से। कहे श्री कृष्ण ये पूर्ण ब्रह्म कबीर यही है, इसके चरणों में कर ले प्रणाम। इंद्रदमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्रदमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्ध रात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम, इंद्रदमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। कहे कबीर एक चबूतरा बनवाओ, जहां राम नाम लौलाऊंगा,
जिस पर बैठ मैं समुद्र को रोकूं और मंदिर को बचाऊंगा। कहे कबीर एक चौरा बनवा दे, जहां बैठ राम नाम लो लाऊंगा। जिस पर बैठ समुद्र को रोकूं और मंदिर को बचाऊंगा। अब कहे समुद्र उठो भगवान, मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। राम रूप में इसने मुझे सताया, वो बदला लेना चाहूंगा। कहे समुद्र उठो भगवान, मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। राम रूप में इसने मुझे सताया, वो बदला लेना चाहूंगा। अग्नि बाण से इसने रास्ता मांगा और कहा था मुझको नीच गुलाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्ध रात्रि बीत गई थी, सोपन में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। श्री कृष्ण जी की पूरी द्वारका, परमात्मा ने कहा समुद्र से, श्री कृष्ण जी की पूरी द्वारका, उस पर जाकर लाओ घात। इधर समुद्र बहुर जो आ गया, तो ठीक नहीं रहेगी बात। कृष्ण जी की पूरी द्वारका, उस पर जाकर लाओ घात। और सुनो समुद्र, जो इधर फिर आ गया, ठीक नहीं रहेगी बात। एक मील वो सागर हट गया, जोड़ करके दोनों हाथ। और पूरी द्वारका डबो ली थी, वो श्री कृष्ण जी की बिगाड़ी ही जात। एक मील समुद्र हट गया, जोड़ करके दोनों हाथ। और पूरी द्वारका डबो ली फिर, श्री कृष्ण जी की बिगाड़ी ही जात। पर्वत की जो रुक्या समुद्र, पर्वत की जो रुक्या समुद्र, ऐसे जगन्नाथ का बन गया धाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्ध रात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। वर्द कारीगर बन के आए, वो बंदी छोड़ कबीर करता हारे। हाथ पैर प्रतिमा के रह गए, धक्के ते दिए खोल के वाड़े। वर्द कारीगर बन कर आए, बंदी छोड़ कबीर करतार। हाथ पैर प्रतिमा के रह गए, वो धक्के ते दिए खोल के वाड़े। अछूत रूप में साहेब आए, खड़े हुए थे बीच द्वार। पांडे जी ने धक्का मारा, कह करके न नीच गुलाम। अछूत रूप में साहेब आए, खड़े हुए थे बीच द्वार। पांडे जी ने धक्का मारा, कह करके न नीच गंवार। कोड लग्या वो पांडा रोवे, कोड लग्या वो पांडा रोवे। और काया का गल गया सब साम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्ध रात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम।
इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। चरण धो पांडे ने पिए, चरण धोकर पांडे ने पिए, जो की तो फिर होगी खाल। और कहे कबीर सुनो सब पांडा, यहाँ पर छुआ छात की न चाल चाल। चरण धोकर पांडे ने पिए, जो की तो फिर होगी खाल। कहे कबीर सुनो सब पांडा, या छुआ छात की न चाल चाल। जय कोई छुआ छात करेगा, उसका भी होगा यही हाल। एक पत्तल में दोनों जिम्मे, वहां पंडा गुलाम रामपाल। जय कोई छुआ छात करेगा, उसका भी होगा यही हाल। एक पत्तल में दोनों जिम्मे, पंडा गुलाम रामपाल। इसमें कौन सा भगवान बदल गया, ओ हे कृष्ण ओ हे राम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। परमेश्वर कबीर जी इस पृथ्वी में 120 वर्ष रहे और लोगों को सद्ज्ञान का उपदेश दिया, जिसके बाद कबीर जी सतलोक जाने के लिए काशी से मगर पहुंचे, जहां से परमेश्वर कबीर जी माघ महीने की शुक्ल पक्ष तिथि एकादशी विक्रमी संवत 1575 सन 1518 को कबीर साहिब जी ने मगर में एक चादर नीचे बिछाई और एक ऊपर ओढ़ ली। थोड़ी देर में आकाशवाणी हुई कि मैं तो जा रहा हूँ सतलोक। जब चादर उठाकर देखा गया तो उनके शव की जगह सुगंधित फूलों का ढेर मिला, जिसके बाद हिंदू व मुसलमानों ने एक एक चादर और आधे आधे सुगंधित फूल लेकर मगर में ही 100-100 फुट के अंतर पर एक यादगार बना दी, जो कि मगर यानी वर्तमान जिला कबीर नगर में आज भी विद्यमान है। परमेश्वर कबीर जी की इसी लीला को संत गरीबदास जी महाराज जी ने कुछ इस प्रकार वर्णित किया है। तहां वहां चादर फूल बिछाए, सिज्जा छाड़ी पद ही समाए, दो चादर दहु दीन उठाई, ताके मध्य कबीर न पाई। नूर नूर निर्गुण पद मेला, देखी भये हैराना हो, स्यों देही सतलोक गए अविनाशी, पाए पिंड न प्राणा हो। शब्द स्वरूपी साहिब सर्वंगी, शब्दे शब्द समाना हो, दास गरीब कबीर अरश में, फरके धजा निशाना हो।